रिसोर्सेस। तो मुझे आप में से कोई बता सकता है कि ग्राफिक रिसोर्सेस क्या होते हैं? एनीवन, ग्राफिक रिसोर्सेस के बारे में आपको कोई प्री नॉलेज है? एक जी प्रोसेस है, हाँ प्रोसेस जी हाँ है जी हाँ जिसमें वन बाय वन। जी जी हाँ जी हाँ मैं महाराष्ट्र से दीपक बात कर रहा हूँ। जी जो ग्राफिक रिसोर्सेस है उसमें है हमें क्या प्रदर्शित करना पड़ता है, जो सांख्यिकी जो न्यूमरस है, जो अंक है सर, इसमें पिक्टो उस उसका समरी चार्ट। रहता है इस। हेलो, जी आवाज आ हाँ रही है हाँ मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बताइए। हाँ, उस समरी को हमें एक सिंबॉलिक ग्राफ से दिखाना पड़ता है जिसमें कोई अंक नहीं होता है, चढ़ उतार चढ़ाव और उतार होता है। और ग्राफिक्स हम बहुत तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। सर, ग्राफिक रिसोर्सेस जैसे जो भी हम अपने कोई भी ई कंटेंट डेवलप कर रहे हैं उसमें जो हमें उसमें इंसर्ट करने होते हैं उसके लिए हम कहाँ कहाँ से वो पिक्चर्स ले सकते हैं, या वीडियोस ले सकते हैं, या एनिमेशंस ले सकते हैं, बैकग्राउंड ले सकते हैं, ये सब चीजें ग्राफिक रिसोर्सेस के अंदर में आएंगी। थैंक यू सो मच सर। तो फिर ठीक है, हम आगे उसमें बढ़ते हैं। सर, जी हेलो सर, सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, सुदीप तो प्रामाणिक। सर, ग्राफिक सोर्सेस रिसोर्सेस का मतलब ये होता है कि कोई मार्क्स वगैरह जो होता है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में पिक्चर मैप या चार्ट में अगर मैं शो कर सकता हूँ तो। ठीक है कैन वी सर। टेल फिर दैट इट इज इन डाटा विच इज एक्सप्लेन्ड थ्रू ग्राफ्स, मैप या चार्ट? यस सर, ओके ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस यस सर, विजिबल है। तो ग्राफिक जी हाँ रिसोर्सेस जी हाँ हमारे जो विजुअल रिप्रेजेंट, जैसा कि आप सबने बताया कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज, कोई भी किसी भी तरह का हम नॉलेज जो हम रीड करते हैं उसका विजुअलाइजेशन, ग्राफिक्स के थ्रू जो हम विजुअल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको ग्राफिक रिसोर्सेस कहते हैं। जनरली हमारा जो ग्राफिक रिसोर्स होता है, जैसे इमेज हो सकता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ऑब्जेक्ट कंबाइंड टेक्स्ट हो सकते हैं, इलुस्ट्रेशन हो सकते हैं, हम अपने डिफरेंट कलर से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हमारे जैसे चार्ट्स होते हैं, मैप्स होते हैं, डायग्राम, फोटोग्राफ्स, इमेज, ड्राइंग, पेंटिंग्स, इनको कंबाइन किए करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिक रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, प्लस उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं जो कि एक विजुअल मेमोरी को इनहेंस करता है। कोई भी चीज जो विजुअलाइज होती है वो हमारे मेमोरीज में लॉन्ग टाइम तक स्टे करती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिक्स जो है, बेटर मेमोरी फॉर पिक्चर्स देन फॉर कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स, वर्ड्स से ज्यादा या टेक्स्ट रीडिंग से ज्यादा हमारा पिक्चराइजेशन जो हमारी मेमोरी में स्टे करता है लॉन्ग टाइम तक, उसके लिए हम ग्राफिक्स को यूज करते हैं। यूजर कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पे कोई भी पर्सन किसी भी तरह का इंफोग्राफिक्स क्रिएट करके उसको विजुअलाइजेशन में प्रेजेंट कर सकता है, जो कि एक बेटर लर्निंग सिस्टम को इनहेंस करता है। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट है एक एक्साइटिंग वे में कि आप क्लासरूम्स में अलग अलग विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने चैप्टर्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपका एक एक्साइटमेंट डेवलप करेगा बच्चों में, कि उनकी लर्निंग कैपेसिटी को इनहेंस करेगा, उनकी कंसंट्रेशन पावर ज्यादा इनहेंस होंगी आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को हम बहुत ही इजी मेथड से कॉन्सेप्ट मैप से या माइंड मैप के थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शेयर कर सकते हैं, जैसे टाइम लाइन्स हो गया। आगे हम फर्दर उसके एग्जाम्पल्स भी मैं शो करूंगा आपको। किसी भी कंपैरिजन ऑफ डेटा के लिए यूज कर सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए ग्राफिक्स यूज किए जाते हैं, जैसा कि आप बार ग्राफ वगैरह, पाई चार्ट वगैरह देखते हैं, वो भी हमारे टाइप ऑफ आपका इंफोग्राफिक्स। और ग्राफिक्स में हम नॉट ओनली पिक्चर्स,
ऑडियोज वीडियोज वगैरह भी हम अटैच करके उसकी इंफॉर्मेशन को इनहेंस कर सकते हैं। ग्राफिक प्रोवाइड यूनिक टाइम सेविंग रिसोर्सेज, आप बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। इंफॉर्मेशन को क्विकली शेयर करने के लिए, इजी वे में शेयर करने के लिए और एक मेजर मास को शेयर करने के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे पोस्टर्स बैनर्स आपने देखे होंगे, वो भी एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग ग्राफिक्स है जो डिफरेंट डिफरेंट वे में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा स्लाइड, जिसपे आपने देखा होगा कि ये दो तरह के इंफोग्राफिक्स शेयर किए हैं, इंफोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन विथ ग्राफिक्स, जैसे इसमें मास्क को कैसे पहना जाए, उसके वे ऑफ वेयरिंग ऑफ मास्क है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में विथ टेक्स्ट हमने रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें एक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन को हमने एक मिनिमम पोस्टर में कंबाइंड कर दिया है। दूसरा जो विकिपीडिया फॉर एजुकेटर्स है, इसमें हमने डेटा कंपैरिजन दिया हुआ है, डेटा को रिप्रेजेंट किया हुआ है, अलग अलग ईयर्स में डेटा है, कोर्सेज का डेटा है, इस डेटा को भी हम ग्राफिक्स के थ्रू कंबाइन कर सकते हैं, अलग अलग टॉपिक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कंबाइंड चार्ट। इंफोग्राफिक्स का ग्राफिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा और नॉलेज, किसी भी डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन या शेयरिंग ऑफ नॉलेज, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो पिक्चराइजेशन फॉर्म में है या टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन विथ ग्राफिक्स है, उसको हम इंफोग्राफिक्स के नाम से जानते हैं। इसका एजुकेशनल यूज क्या है, हम इसका विजुअल एड्स बना सकते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग को इनहेंस करने के लिए एज डिस्कशन स्टार्टर्स। अभी आप जैसे क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, तो आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के उस टॉपिक का एक ब्रीफ समरी दे सकते हैं कि हमें इस टॉपिक को डिस्कस करना है और इसके और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स ऐड करके एक पिक्चराइजेशन फॉर्म में उसको शो कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस अ टॉपिक और गिव एन ओवरव्यू ऑफ द लेसन, लेसन को एक आप पिक्टोरियल फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, या डेटा फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आप टाइमलाइन यूज कर सकते हैं कि किस पीरियड में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, उसको टाइमलाइन की तरह आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ग्राफिक्स इंफोग्राफिक्स जो होते हैं वो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, होते हैं, अपीलिंग होते हैं, रिटेंटिव होते हैं, जो हमारे नॉलेज को इनहेंस करते हैं विद इन क्विक फ्रेम ऑफ टाइम और मिनिमम कॉन्टेक्स्ट को यूज करके मैक्सिमम नॉलेज गेन करने के लिए इंफोग्राफिक्स का यूज किया। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक पिक्टोरियल चार्ट दिया हुआ है जिसमें कॉफी और टी का कंपैरिजन दिया हुआ है, इसको आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, ये भी एक तरह का इंफोग्राफिक्स है, जैसे टी से क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेज हैं, और कॉफी में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉसेज हैं, आप इससे देख सकते हैं, या क्या आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, क्या इनहेंस करता है। दूसरा है जो इंडिया का जो डेटा है, अलग अलग पॉपुलेशन का है, अलग अलग डेंस सिटीज का डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को भी हमने कलर मोड के साथ साथ ग्राफिकल एंड डेटा टेक्स्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप ऐसे इस टाइप का भी इंफोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं और नॉलेज इनहेंस के लिए, जैसे साइंस के टॉपिक्स हैं, फोटोसिंथेसिस को शो किया गया है पिक्टोरियल डायग्राम में, सिंपली हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ते हैं, उससे जितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उससे ज्यादा हमारी पिक्टोरियल ग्राफिक्स से नॉलेज इनहेंस होगी कि कैसे हमने प्लांट सनरेज को एब्जॉर्ब करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का प्लांट्स के अंदर, इसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में शो किया जाएगा, तो इससे बच्चों को नॉलेज को और इनहेंस करेगा और इवन कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टाइम तक माइंड में स्टे कर पाएंगे। नीचे हमारा जो है हमने टाइमलाइन शो किया हुआ है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में 1990 में, 91 में, 92 में अलग अलग चीजें हुई हैं, इवेंट्स को एक ग्राफिक फॉर्म में शो किया गया है अकॉर्डिंग टू द ईयर, जो सिंपल एक बार ग्राफ से भी शो किया जा सकता है, इसमें एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये ज्यादा आपका क्रिएटिव है प्लस बच्चों को इनहेंस करता है लर्निंग के लिए। इंफोग्राफिक्स जो टूल है हमारे, कई सारे टूल हैं जो फ्रीली भी अवेलेबल है, पार्शली फ्रीली हैं,
और कुछ पेड टूल्स हैं, जैसे कैनवा है। कैनवा आपका कुछ फीचर्स आपके फ्री हैं, कुछ फीचर्स पेड हैं, लेकिन हमारे काफी फ्री फीचर से ही हमारा काफी यूज हो जाता है। मैं आपको शो करूंगा कैनवा कैसे कैसे हम यूज कर पाएंगे आगे। देन इजिली है, विंगेज है, पिक्टो चार्ट है, विजमी है, इन्फोग्राम है, विजुअलाइज है, एक डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जिसके थ्रू हम इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते। ये कैनवा का होम पेज है लॉगिन करने के लिए। जैसे साइन अप फॉर फ्री लिखा हुआ है, आप फ्री साइन अप कर सकते हैं इसको। टीचर्स के लिए भी कुछ इसमें फीचर्स होते हैं अलग अलग टॉपिक्स को डेवलप करने के लिए। जैसे मैं आपको शो करता हूँ कैनवा का, जैसे ये होम पेज है आप देख रहे हैं, मैंने लॉगिन किया हुआ है यहाँ पर, मेरा अकाउंट लॉगिन है। जैसे ही आप कैनवा पे जाएंगे फर्स्ट पेज आपका ये अपीयर होगा, फिर आप जैसे ही साइन अप करेंगे तो साइन अप के बाद आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद ईमेल। सबसे इजी है आप कंटिन्यू विद गूगल करें। जैसे ही आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे उसमें आपका ईमेल पूछेगा, अगर ईमेल आपका पहले से लॉगिन है तो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, और सेफ है, आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप ईमेल लॉगिन कर देंगे तो कुछ इस तरह का पेज अपीयर हो जाएगा, आपका फोटो या आपका नाम, जैसे मेरा नाम यहाँ अपीयर हो रहा है ईमेल का। तो इस तरह का लॉगिन होने के बाद इस तरह के विजुअल आपको दिखने लगेंगे इस पे, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें व्हाइट बोर्ड है, प्रेजेंटेशन हैं, सोशल मीडिया पोस्टर्स हैं, वीडियोज हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वेबसाइट्स वगैरह हैं। इस पे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये देखा, जो आप यूज करेंगे कैनवा, मैं आपको कैनवा ही शो करता हूँ। ये होम पेज है इसका, इसके होम पेज पे आपको ये डिफरेंट फीचर्स दिख रहे हैं। डॉक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं, इससे इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं। जैसा कि मैंने एक आपको इन्फोग्राफिक्स शो किया, पॉपुलेशन डेटा का प्लस टाइमलाइन रिप्रेजेंटेशन जो था, ये सारे फीचर्स आप यूज कर सकते हैं आपके, और इस पे सेव भी कर सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स में आपको यहाँ शो होगा। जैसे मैंने पहले माइंड मैप और कॉन्सेप्ट मैप यूज किया हुआ है, या एक ग्राफिक यूज किया हुआ है डिजाइन करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं पहले जैसे कि आप एक इन्फोग्राफिक डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो आपको पहले से डिजाइन में जाएंगे तो ये कुछ प्रीबिल्ट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको, जो आप इन टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं रीडिजाइनिंग के लिए। जैसे मैं ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस टेम्पलेट को आप एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। जैसे ये एडिटेबल है आपका, आप इसमें हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आपको ऐड करने के लिए आपको एलिमेंट्स में मिल जाएंगे यहाँ पे, ये सारे फ्री फीचर्स में है। मैं फ्री फीचर यूज कर रहा हूँ उसका, कैनवा का। आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप साइजेस यूज कर सकते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, स्टिकर्स यूज कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आप पोस्टर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए, इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए, या सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, फेसबुक वगैरह यूज कर सकते हैं, तो आप अपने इन्फोग्राफिक्स इस तरह से क्रिएट करके, बना के सेव करके आप शेयर कर सकते हैं।
आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो इसके लिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। हेडिंग है, सब हेडिंग्स हैं, बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है, फॉन्ट स्टाइल्स मिल जाएंगे चेंज करने के लिए आपको, बर्थडे स्टिकर्स भी बना सकते हैं, अलग अलग क्लासरूम्स के इंफॉर्मेशन, चैप्टर इंफॉर्मेशन को इंफोग्राफिक्स में क्रिएट कर सकते हैं। एक डिफरेंट फीचर इसमें ये मिलता है कि आप अपनी डाउनलोडेड इमेजेस या कोई भी इमेज आपके सिस्टम में है वो भी आप पेस्ट कर सकते हैं इसमें ले आके, अपलोड करके, ड्राइव पे हो या आपके सिस्टम में हो, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम में चला जाएगा। यहाँ से आप अपने कोई भी इमेज को या वीडियो को या ऑडियो को, जैसे वीडियोज हैं यहाँ से और ऑडियोज, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं आपके इंफोग्राफिक्स में। ड्रॉ करने का भी ऑप्शन आता है, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, कुछ इन बिटवीन लिखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं इस पे। जैसे इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं आप, अलग अलग शेप साइजेस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर पीसी है साथ में फोन के साथ साथ, तो आप दूसरे सिस्टम पे मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसको, और इन बिटवीन आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कोई क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं कि कैसे क्या, आपको कोई समझने में कोई दिक्कत है तो बीच में बोल सकते हैं। जैसे आपने, मैंने आपको शो किया, ये सारे हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड्स पे आपको दिख रहे हैं, टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, अपलोड, टेक्स्ट, प्रोजेक्ट्स, वीडियो, ये हम अपने रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए इन सारे फीचर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, एक इंफोग्राफिक शो किया गया है जिसको क्रिएट किया गया है, सिंपल हैबिट्स दैट विल मेक यू फील हैप्पियर। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट हैबिट्स को शो किया गया है। इस इन्फोग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए आप कैनवा यूज कर सकते हैं। कैनवा के फीचर्स, ये फ्री फीचर से क्रिएट किया हुआ इन्फोग्राफिक है। इनके टूल्स आप यूज कर सकते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगे, लाइन शेप्स वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह मिल जाएंगे, स्टिकर्स मिल जाएंगे, फोटोज वगैरह होंगी, या अपनी फोटोज आप यूज करके इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया पहले भी कि आप इसमें अपना कोई भी वीडियो अटैच कर सकते हैं। मैं देखता हूँ मेरे सिस्टम में कोई वीडियो हुआ तो मैं अटैच करके दिखाता जैसे एक वीडियो है, इस वीडियो को भी हम अटैच कर सकते हैं इसमें। जैसे लार्ज साइज है तो दिक्कत कर रहा है, स्मॉल वीडियोस आप कर सकते हैं इजीली।
मेरे सिस्टम में कोई वीडियोस नहीं है इसलिए मैं अटैच नहीं कर पाऊँ। स्मॉल वीडियोस आप यहाँ अपलोड से जाकर अपनी वीडियोस अटैच कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस ऐड कर सकते हैं अलग अलग इंफोग्राफिक्स को इंक्रीज करने के लिए। जैसे आपको कोई दो तीन पेज का इंफोग्राफिक क्रिएट करना है तो आप यहाँ ऐड पेज पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज आपका आ जाएगा। इसमें आप एलिमेंट्स यूज करके किसी भी तरह का इमेज यूज करके आप एक और पेज बना सकते हैं। की कॉपी भी बना सकते हैं आप। ये सारे फीचर्स हैं आपको इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए। आप अपनी पीपीटी बनाने के लिए गूगल स्लाइड्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये पीपीटी जो है मेरी गूगल स्लाइड्स से है। आप अपने ड्राइव पे जो गूगल स्लाइड्स आते हैं न्यू क्रिएट करेंगे, इस पे गूगल स्लाइड्स आते हैं, इस पे भी फीचर्स होते हैं पीपीटी क्रिएट करने के, अलग अलग रिसोर्सेज क्रिएट करने के। जैसे कि इसमें शो किया है स्लाइड्स, गूगल स्लाइड्स पे आप क्लिक करेंगे देन पेज सेटअप भी कर सकते हैं। आप पेज का डायमेंशंस क्रिएट करके आप अपनी पीपीटी डिजाइन कर सकते हैं। इसमें भी फीचर्स मिलते हैं, वीडियो ऐड करने के भी फीचर्स होते हैं। जैसे कि आपको शो किया गया है कि यहाँ पिरामिड दिखाया गया है अलग अलग इंफॉर्मेशन के साथ। ये भी एक ग्राफिक का एग्जाम्पल है, ये आप गूगल स्लाइड से भी यूज कर सकते हैं और ये भी कंप्लीटली फ्री होता है। ये आपके जीमेल के साथ फीचर्स आ जाता है। कैनवा में भी आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन के ऑप्शन मिलते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट मिलते हैं। आप अपनी वीडियो को भी इस पे रिकॉर्ड करके अपलोड करके एडिट कर सकते हैं या यहाँ अपना एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। जैसे कि आप इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिल जाते हैं ऐड करने के लिए। सर्कल, आउटलाइन, सर्कल, हाफ सर्कल, मॉडर्न, इसमें ग्राफिक्स मिल जाएंगे आपको।
इसमें वीडियोस भी आप ऐड कर सकते हैं, बट जो आपको क्राउन वर्जन दिख रहा है जिसपे क्राउन है वीडियोस पे, ये पेड फीचर्स प्रो फीचर्स में है, तो आप ये वाली वीडियोस नहीं यूज कर पाएंगे। जो फ्री वीडियोस हैं वो आप अटैच कर सकते हैं या अपनी ऐड ऑन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी एक टीम है, अगर आप किसी भी स्टेट की जो 20 लोगों की टीम है उसमें से 5 लोग एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो एक सेम फीचर्स पे भी काम कर सकते हैं। आप इसको शेयर कर सकते हैं यहाँ से सबके साथ, वो भी अपना कैनवा फीचर यूज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि कोई भी पर्सन आपके किए हुए एडिटिंग को चेंज ना कर पाए या मूव ना कर पाए, तो इसमें लॉकिंग फीचर्स आते हैं, आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट आपका लॉक हो गया, तो ये कोई मूव नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप ही कर पाएंगे, दूसरा कोई पर्सन नहीं कर। जैसे लॉक होने के बाद ही मूव नहीं कर रहा था, अनलॉक होने के बाद हम मूव करके इसको अटैच कर सकते हैं अपने इंफोग्राफिक्स में। इस तरह से आप शेप्स ऐड कर सकते हैं, जैसे लाइंस आपको यूज करनी है। ऑडियो अटैच कर सकते हैं आप, ऑडियो फाइल्स यहाँ से अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके, किसी भी चैप्टर को आपको रिप्रेजेंट करना है क्लासरूम में, तो आप एक इंफोग्राफिक्स क्रिएट करके उसका आप ओरिएंटेशन एक रिकॉर्ड करके साथ में इसको अटैच करके आप प्ले कर सकते हैं, जिससे बच्चे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विद ऑडियो। डिफरेंट फ्रेम्स के भी ऑप्शंस मिलते हैं आपको इसमें, चैट्स के ऑप्शंस हैं। जो जो आप रिसेंटली यूज करेंगे वो आपको आपके ऑल सेक्शन में आपको रिप्रेजेंट होने लगेगा। से आपको शो हुआ कि ये प्रो वर्जन में है, जो फ्री है आप वही यूज कर सकते हैं, जिसपे भी आपको क्राउन नजर आ रहा है वो आपको पेड फीचर्स में मिलेगा। आप चाहें तो टेक्स्ट के एनिमेशन भी यूज कर सकते हैं। इस फीचर्स को
आप कैनवा को जितना एक्सप्लोर करेंगे उतने आपको ऑप्शंस मिलते रहेंगे इसमें, अलग अलग टाइप ऑफ फॉन्ट्स भी आपको अवेलेबल हैं, कि आप अगर फॉन्ट को डिफरेंट वे में चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट के साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इसमें। तरह का फॉन्ट यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो आप प्री इंस्टॉल्ड फीचर्स जो हैं इसमें टेम्पलेट्स हैं वो यूज कर सकते हैं, या आप अपना अलग से डिजाइन और टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। होपफुली आप पैरेलली ये सेशंस देख कर रहे होंगे साथ में। अभी तक किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछिए प्लीज। ये सर फॉर्म चेंज करने के लिए सर बताए थे। हेलो सर वन बाय वन प्लीज एक बार। सर हाँ मैंने हेलो पूछना चाह रही थी कि मैं ये हाँ पूछना चाह रही थी सॉरी सर, अगर फोन से इसको कर रहे हो और मीडिया जो हमारे पास पहले से मीडिया है फोन के स्टोरेज में, अगर उसको यहाँ पर लाना चाहें तो उसका ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। मैम, अपलोड्स में मैंने दिखाया आपको, जहाँ जैसे ये प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे थे, तो आपको ये नहीं सर। अपलोड सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, अपलोड जहाँ लिखा हुआ है, हाँ आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपलोड फाइल का ऑप्शन आता है। या तो आप अपने सोशल मीडिया से या गैलरी से या अपने सिस्टम से, जहाँ से भी आप फाइल अपलोड करना चाहें, जैसे मैंने क्लिक किया तो मुझे अपने डेस्कटॉप ये डाउनलोड्स के ऑप्शंस आते हैं। आपके जहाँ भी फाइल हो सिस्टम में या फोन में, आप वहाँ सेक्शन से जाके ओपन करके अपलोड कर सकते हैं। जी ओके थैंक यू सर। हेलो सर, हाँ जी सर बताइए। ये जो आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, ये कैसे होता है? सर आप ऑडियो ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे जैसे यहाँ यहाँ ऑडियो तो का आप ऑप्शन क्या आप कैनवा से, आप कैनवा मतलब कि ये जो सारा जो जूम ऐप पे जो आप कर रहे हैं, तो शेयरिंग कर रहे हैं आप ब्राउजर हाँ ये से? सर मैं आपको कैनवा के फीचर्स बता रहा हूँ। कैनवा को यूज करके आप कैसे अपने इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं वो नहीं सारा वो मैं नहीं, कैनवा को दूंगा। अभी जो आपने जो कर रहा है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, ये कोई भी पीपीटी में जब हम शेयर करें तो वो म्यूजिक कैसे बज जाएगा, ये जान? सर आप जैसे आपने ये मैं आपके स्क्रीन पे मेरा ये इमेज विजुअलाइज है जी जी इन्फोग्राफिक्स जी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो जी जैसे जी मैंने इसमें ये आपको एक वीडियो इंक्लूड किया है इसमें जी जो मैंने प्ले किया था तो आपको बज रहा था ये। ठीक है इसको मैंने सर इनके या तो आप इनके फीचर्स से भी यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्स में जाके जो इनके वीडियोस होते हैं जो आपको फ्रीली अवेलेबल हो वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपलोड्स में जाके अपने सिस्टम की फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, इमेजेस यहाँ से कर सकते हैं, इस जगह से इमेजेस अपलोड्स में जाके इमेजेस या वीडियोस या ऑडियोस जो भी आप चाहें इसमें अटैच करके बना सकते हैं। कोई ऐसा जनरल पीपीटी हम कैनवा यूज नहीं करें, और पीपीटी हम शो करें कहीं पे थ्रू जूम के माध्यम से या और किसी के माध्यम से, तो क्या जी ये बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा जब हम जितना देर तक बात करेंगे? बिल्कुल सर, जब मैंने आपको बताया कि पीपीटी आप अगर गूगल स्लाइड से भी बनाते हैं तो उसमें भी फीचर्स आता है इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट में जाके आप ये ऑडियो वीडियो शेप्स इमेजेस आप डाल सकते हैं बिना कैनवा यूज किए। ये आपको गूगल के साथ फ्री एप्लीकेशन मिलता है, आप ड्राइव में जाएंगे अपने ड्राइव में प्लस जो है आपका न्यू न्यू पे क्रिएट क्लिक करेंगे, इस पे गूगल स्लाइड्स लिखा हुआ आता है, गूगल स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह की प्रेजेंटेशन आप खुद भी बना सकते हैं
गूगल स्लाइड्स। ये पावर प्रेजेंटेशन में भी होता है ऐसा? हाँ हाँ सर, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पीपीटी ही है सर। सर मोबाइल में भी यूज उतना हो सकता है क्या? इतना फंक्शन मोबाइल से नहीं आता सर है। इसका ऐप आता है, आप गूगल प्ले स्टोर से कैनवा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल से, जी, और नहीं डाउनलोड उसको भी यूज कर सकते हैं। सर कैनवा में पीपीटी तो भी कर करते हैं सकते यूज, हैं क्या? लेकिन इतनी हाँ जानकारी बिल्कुल नहीं मैम, थी। मैंने जैसे आपको दिखाया कि इसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं सर कैनवा में पीपीटी कहाँ से करेंगे, थोड़ा मैम, दिखाइए। होम पेज पे ही आपका ये प्रेजेंटेशंस लिखा हुआ है, आप यहाँ से क्लिक करके पीपीटी बना सकते हैं, तो आपके ओके ऊपर ओके, थैंक यू फीचर्स सर, दिख रहे हैं। थैंक यहाँ आप यू सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपने व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्रिएट कर सकते हैं। सर। हेलो सर, ये कैनवा में जो आप अभी फॉन्ट के बारे में बता रहे थे कि फॉन्ट के डिजाइन चेंज करने के लिए जो जी प्रोसीजर, उसमें अंग्रेजी के फॉन्ट डिजाइन तो चेंज हो जाते हैं, हिंदी के फॉन्ट डिजाइन चेंज करने में मुश्किल आती हिंदी के सर, हिंदी का आप यूज करने के लिए गूगल इनपुट टूल का यूज कर सकते हैं। गूगल इनपुट टूल आपने कभी यूज किया है? गूगल इनपुट टूल जो पहले जो था उसमें अब लगता है बदल दिया है, उसका नाम जी बोर्ड कर दिया है, और वो कंफर्ट नहीं लगता यूज करने में। पहले सर जी बोर्ड मोबाइल में आता है। जी हाँ गूगल इनपुट से आप टाइप करके उसका पीसी पे यूज फॉन्ट नहीं करना। बदलता, फॉन्ट चेंज नहीं होता। जैसे अंग्रेजी में बहुत सारे फॉन्ट के डिजाइन मिल जाते, जी मोटे पतले स्क्वायर में रेक्टेंगल में, ये सब चीज मिलते हैं उस, लेकिन हिंदी में वो सारे फॉन्ट नहीं मिल पाते हैं जो अट्रैक्टिव हेडलाइन बनाया जा सके, टैगलाइन बनाया जा सके। सर आप यहाँ टेक्स्ट लिख लीजिए, उसको कॉपी करके आप जब कैनवा पे पेस्ट कर लेंगे, जो आपका डिजाइन है इस पे आप यहाँ पेस्ट करके, आपको फिर वहां टेक्स्ट स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हेलो सर, हिंदी में थोड़ा सा एकाध करके देखते ना, हम थोड़ा वहां पर नजर दे देते तो ठीक था। हिंदी में सर एक्सटेंड एक्चुअली जो है ना, हिंदी में उतना स्टाइल आपको नहीं मिल पाएगा कैनवा में भी। हिंदी फॉन्ट अगर होगा तो कैनवा में भी उतना स्टाइल नहीं मिल पाता। सर, जब कोई वीडियो है, जी जब कोई वीडियो है, जब उस मान लीजिए 30 सेकंड का वो वीडियो है, जैसे मैं अभी कर पा रहा हूँ, लेकिन जब उसको अपलोड करता हूँ तो फिर वो, या डाउनलोड, सॉरी डाउनलोड करता हूँ, तो वो डाउनलोड ऑप्शन नहीं देता, यानी बार बार वो देता क्या कि वो प्रीमियम में चला जा रहा है, क्या करना चाहिए? सर उसके कुछ फीचर्स प्रीमियम फीचर्स हैं, तो जी वो यूज नहीं कर पाएंगे। जो फ्रीली फीचर्स हैं, जिन्होंने जो फ्रीली अवेलेबल है, बस आप उतना ही यूज कर पाएंगे। ने जैसे सिंपल पोस्टर पे अगर कोई वीडियो पेस्ट करता हूं हाँ तो क्या वो मतलब एसेसिबल नहीं है? नहीं, आपका अपना वो है जो वीडियो आपने कम, क्रिएट किया है सर, वो तो आप डाउनलोड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वही नहीं हो रहा है सर, वही मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मैं अभी कर सर पा रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। एक बार सर फ्रेम देख लेना चाहेंगे, फ्रेम जो होता है डिजाइन का, जो ऑटोमेटिक जो डिजाइन देता है कैनवा में, उसमें पेड डिजाइन होता है, उसके आगे मुकुट लगा रहता है, प्रो वगैरह लिखा रहता हाँ क्राउन, जो है। अगर आपको क्राउन उसमें मैंने कोई आप दिखाया, डिजाइन बनाएंगे तो वो आपको पेड ही होगा, इसलिए आप प्लेन जिसमें फ्री लिखा रहता है उस पर कोई वीडियो अपलोड कीजिएगा तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डाउनलोड हो और जाएगा। सर इसमें वाटर मार्क तो रहेगा ही जब तक हम अरे वो नहीं, कैनवा सब में वाटर नहीं मार्क नहीं रहेगा देता सर, था। जो फ्री है उसमें वाटर मार्क नहीं रहेगा। सर फ्री फीचर्स में हाँ वाटर मार्क नहीं हाँ होगा, फ्री आपको फीचर में आप वाटर सिंपली मार्क यूज नहीं कर होगा। पाएंगे उसे। सर, ये जो रिसेंटली यूज्ड बिजनेस प्रोजेक्ट है, यदि मैं इस पे अपना प्रोजेक्ट डिजाइन कर रही हूँ, सपोज फर्स्ट पेज पे मैंने इसमें लिखा है प्रोजेक्ट, लैंग्वेज प्रोजेक्ट करके, तो मैं जब उसको अपने ड्राइव में ले जाना चाह रही हूँ ना पब्लिश करके, तो इसमें एक आ रहा ऑप्शन, यू हैव नॉट गिवन एनफ परमिशन टू पब्लिश, इसमें फिर क्या करना चाहिए? मैम आपने उसका फ्री फीचर ही यूज किया है जो, हाँ फ्री, ये जो है ना असाइंड प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, उसी में मैं जब गई हूँ, फिर उसको मैं जब शेयर करना चाह रही हूँ ना गूगल ड्राइव पे, तो वो नहीं ले रहा है। जैसे मैम आप मेरा स्क्रीन देख रही हैं, मैंने ये क्रिएट किया है, आपने आपको दिख रहा है?
हाँ ये आपने क्रिएट किया हाँ, जिसमें वीडियोस भी हैं, हिंदी फॉन्ट भी है, इसको मैं शेयर पे क्लिक करके आप सिंपली डाउनलोड कर सकता हूँ। तो आप ओके ये इस तरीके से नहीं कर रही? नहीं डाउनलोड नहीं कर रही हूँ मैं। अच्छा ओके मैम, इसको डाउनलोड करके आप फिर अपने हाँ ड्राइव पे अपलोड कर सकते। ओके थैंक यू सर थैंक यू। सर एक बार बता दीजिए ना, डाउनलोड कहाँ से होता है? मैम ये आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है, शेयर का ऑप्शन आ रहा है सबसे ऊपर राइट हैंड साइड टॉप। है दिख रहा है मैम आपको? जी सर जी सर। हाँ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाए, नीचे डाउनलोड आ। आप डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं यहाँ मेरे से में सर अपने सोशल डाउनलोड मीडिया नहीं पे, है। डाउनलोड का ऑप्शन नीचे आता है। जी जी सर, डाउनलोड मैं करने के बाद जब मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो उसमें बहुत सारे आ रहे हैं, फाइल टाइप आ रहे हैं, फैट एंड पीडीएफ, सेलेक्ट पेजेस, जितने पेज को डाउनलोड करना, क्या मैं उसको सेलेक्ट करके फिर डाउनलोड करूंगी? जी मैम, आपको जिस तरह आपने अगर वीडियोस अटैच किया है तो आप MP4 में डाउनलोड कर सकती हैं, ऑडियो है तो MP3 में कर सकती हैं, देन PDF भी कर सकती हैं। ओके ओके थैंक यू। शशिधर उज्जवल सर बिहार से, उन्होंने पूछा है कि ऑनलाइन होता है सॉफ्टवेयर या डाउनलोड कर सकते हैं? सर ये फीचर्स इसके डाउनलोडेबल नहीं है, आप इसको ऑनलाइन ही यूज करेंगे, इसका इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। वो भी डाउनलोड होता है सर, बट विथ वाटर मार्क। हाँ सर, वो तो पेड वर्जन होगा तो आपको वाटरमार्क के साथ हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? सर फिर उसको एक बार बताएंगे कि जी सर, केनवा ऐप जो है, मोबाइल ऐप सर, उसके बारे में थोड़ा और जानकारी देंगे सर, प्लीज कैसे हम। सर बी ए लिटिल बिट लाउडर सर, मैं सुन नहीं पा। कह रहे हैं कि कैनवा ऐप के बारे में थोड़ी और जानकारी देंगे, मोबाइल ऐप के बारे में। मोबाइल ऐप सर, आप सेम फीचर्स आपको मोबाइल ऐप में मिलेंगे, आप प्ले स्टोर में जाके फोन के कैनवा टाइप करेंगे, कैनवा वहां से डाउनलोड करेंगे तो जो फीचर्स आपको मैंने यहाँ दिखाए हैं वो फीचर्स आपको ऐप में भी मिलेंगे। मैंने अभी कैनवा मैंने डाउनलोड किया तो उसमें कुछ डिफरेंट आ रहा है, मुझे यहाँ से कुछ डिफरेंट दिख रहा है। नहीं सर, उस पे भी आपको पीपी प्रेजेंटेशन क्रिएशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इन्फोग्राफिक्स बनाने के ऑप्शंस मिलेंगे, टूल्स आपको सेम मिलेंगे उसके अंदर, बस आपका स्क्रीन साइज डिफरेंट है तो उसकी वजह से अपीयरेंस डिफरेंट आ रही है। सर ये टाइमलाइन वाला एक करके बताएंगे सर, टाइमलाइन कैसे उसमें क्रिएट करेंगे? सर एक मिनट सर, मैंने कर जी लिया सर, वो हो जा रहा है, मैंने उसमें बना के तो हो गया है, वो डाउनलोड करके जितने पेजेस चाहिए थे मैंने करके फिर उसको इवन व्हाट्सएप में शेयर कर दिया, वो हो जा रहा है सर। थैंक यू सर। जी ऐसे ही आपको इसलिए बताया जा रहा है आया सर, मेरे तो वाटरमार्क भी नहीं आया, विद वाटरमार्क डाउनलोड किया फिर भी वाटरमार्क नहीं आया, अच्छे से हुआ सर। थैंक यू। आप हेलो सर। जी, हेलो सर, मैं आया हाँ वन। हेलो, एम आई ऑडिबल सर, सर? सर हेलो सर सर हाँ जी सर, जी सर सर, प्लीज आप। महाराष्ट्र महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे जो एनिमेटेड है, वो जो एनिमेट करते हैं हम पिक्चर को, उसका जो टाइम लाइन है वो कैसे बढ़ा सकते हैं? थोड़ा धीरे धीरे वो पिक्चर एनिमेट होना चाहिए, क्योंकि जब मैं उसको रेंडर करता हूँ तो उसका एनिमेट बहुत जल्द से हो जाता है, तो मुझे लगता है कि वो 2 सेकंड के बाद ठहरना चाहिए, 3 सेकंड ठहरना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो एनिमेटेड जो पीरियड रहता है वो कैसा बढ़ाना चाहिए वो बताओ सर। आपके स्क्रीन पे एनिमेट लिखा है, देखो मैंने कर्सर रखा है, अगर जी एक आधा एक सिंबल आपने रखा, उस सिंबल को आपने एनिमेट करना है तो उसका जो पीरियड है वो थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए।
फास्ट नहीं होना चाहिए। हेलो स्पीड की बात कर रहे हैं। हाँ स्पीड की बात कर रहे हैं। तो आप कहाँ क्रिएट कर रहे हैं सर? प्रेजेंटेशंस में क्रिएट किया है आपने? जी सर मैं पूछ रहा हूँ आपने कहाँ क्रिएट किया है सर? सर वो मैंने डॉक्यूमेंट में क्रिएट किया था। अच्छा और उसके बाद मैंने जो वो पिक्चर्स है उसको मैंने एनिमेट करने की कोशिश की जे आई फाइल के लिए। तो उसका जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, वो स्पीड कैसे कम करता है? एनिमेट किया एनिमेट का सर स्पीड का ऑप्शन शायद अभी अनपेड में नहीं है ऑप्शन है नहीं तो सर ऑप्शंस ऊपर ही मिलते हैं सारे। सर मैंने अभी जैसे क्योंकि सर पीपीटी में हम अपना स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं स्पीड के हिसाब से हम अपना वीडियो है अन्यथा जो जेएफ फाइल है वो हम स्पीड के हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा कैनवा में नहीं है क्या सर? ये मैं पूछ रहा हूँ। सर जैसे मैंने अभी एक लिंक के साथ जो वो वीडियो कुछ सेकंड का बनाया जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है उसमें एक तुरंत अभी जैसे मेल आया कि यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू हैव ए कैनवा अकाउंट, दिस मेल इज नॉट ए मार्केटिंग और प्रमोशनल ईमेल, दैट्स व्हाई द मेल डजंट कंटेन एन अनसब्सक्राइब लिंक, यू विल रिसीव दिस ईमेल इवन इफ यू हैव अनसब्सक्राइब फ्रॉम कैनवाज मार्केटिंग ईमेल। तो वो सर आपने अपने ईमेल से ही लॉगिन किया है अकाउंट इसलिए वो ईमेल आया है, उससे वो कोई भी एक्सेस कर सकता क्या? वो कोई भी एक्सेस कर सकता इस मेल को क्या? नहीं नहीं सर कोई भी नहीं कर सकता है, जो आपने अकाउंट अपने जीमेल अकाउंट से इसको लॉगिन किया है आप ही एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा आप उसको शेयर कर पाएंगे जो भी आपने तो खोलने के बाद एक्सेस आप करेंगे, एक्सेस मांग रहा है, ओपन नहीं हो रहा है दूसरे से। और नेसेसिस में एक मेल हाजदा मंजू 411@gmail.com से आया है, रिक्वेस्टेड एसएस टू डिजाइन टाइटल्ड ब्राउन येलो एस्थेटिक सेल्फ रिमाइंडर पोट इंस्टाग्राम रील मोबाइल वीडियो। अच्छा उन्होंने आपको इंक्लूड करने के लिए आपने प्रोजेक्ट में इसलिए शेयर किया होगा उस टाइप से। अच्छा जैसे मैंने बता रहा था आपको कि दो तीन लोग भी मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। इसमें ढेर सारे सर मेल आने लगे, अगर इसको मैंने जो शेयर किया तो बहुत सारे मेल आने लगे। सर आपने जिस जिसको शेयर किया होगा वो परमिशंस मांग रहे होंगे आपसे, आपने परमिशन दी नहीं होगी। अच्छा वो परमिशन की रिक्वेस्ट डाल रहे होंगे आपको इसलिए उससे मेल से रिसीव हो रहा है परमिशन। सर वो जो हेलो सर ड्यूरेशन और टाइमर क्या है उससे हम टाइम एडजस्ट कर सकते हैं सर इसमें स्लाइड के लिए? हम टाइम एडजस्टमेंट का फीचर अभी इसमें अनलॉक नहीं है शायद, प्रो वर्जन में है। क्योंकि यहाँ पे नीचे सर दिया है ना स्लाइड के नीचे प्लस साइन है नोट्स ड्यूरेशन और टाइमर। सर कर सकते हैं, वहाँ पे हमें दिया है 12 सेकंड 14 सेकंड, अब अगर हम टाइम के यहाँ क्लिक करें तो वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि आप इस स्लाइड को कितना टाइम देना चाहते हैं। सर कर सकते हैं, यहाँ से टाइम इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, अब उस टाइम को बढ़ा yes. सकते हैं। सर ड्यूरेशन में क्या है? ड्यूरेशन में जो मैम वीडियो इसमें डाला हुआ है उसका क्या ड्यूरेशन है? ओके जो मैंने वीडियो अटैच किया हुआ है थोड़े लोग पूछ रहे थे ना कि वो थोड़े एलिमेंट्स जो यहाँ पे मिलते हैं वो प्रीमियम वर्जन के हैं और हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो
मैं ये बताना चाहता था कि अगर आप उधर गेट कैनवा प्रो जब क्लिक करोगे तो उधर टीचर्स के लिए एक ऑप्शन सर टीचर्स के लिए, उसके लिए आपको अपनी ऑफिशियल आईडी स्कैन करके अपलोड करनी होगी, प्लस आपके पास एक ऑफिशियल ईमेल होना चाहिए। हाँ, तो आप प्रो वर्जन को यूज कर पाएंगे उस टाइम के लिए। सही है, बेटर ये है कि सर इतना प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप फ्री फीचर्स में ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसको यूटिलाइज करें चाहते, नहीं तो आप थोड़ा और एक्टिवली करना चाहते हैं तो आप प्रो वर्जन टीचर आईडी से लॉग इन करके कर सकते। क्या बात, बोलना बंद कर दिया जी, इतना आगे लगे ना। एनी अदर क्वेश्चन? अब बिहार से रंजन कुमार जी, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? तो अगर फर्दर क्वेश्चंस नहीं है देन वी कैन एंड दिस सेशन और हम 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, एक टी ब्रेक, और उसके बाद हम ग्राफिक प्रोसेस 2 का ही एक सेशन स्टार्ट करेंगे 11:35 से। सर सर एक क्वेश्चन है। जी जी बताइए सर। हाँ, हम वीडियो टेक्स्ट या इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन HTML फाइव या कोई एनिमेशन की फाइल हो जैसे जावा में बनी हुई हो या HTML फाइव में बनी हुई हो, क्या वो हम इंसर्ट कर सकते हैं इसमें? सर आप उसको जावा की फाइल डायरेक्टली नहीं अपलोड कर पाएंगे, उसको आपको किसी और फॉर्मेट में, इमेज के फॉर्मेट में या वीडियो के फॉर्मेट में सेव करके अपलोड कर पाएंगे। और HTML फाइव की फाइल जो एनिमेशन या सिमुलेशन HTML फाइव में बना हुआ होता है वो? सर एनिमेशन में आप अगर एनिमेटेड वीडियो है तो एज ए वीडियो फॉर्मेट में उसको अपलोड कर पाएंगे, नहीं तो एज ए पिक्चर आप अपलोड कर पाएंगे। ओके ओके थैंक यू। हेलो जी सर, इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा? हेलो सर, सुन पा रहे हैं? आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं टाइम ड्यूरेशन, इसमें इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, जैसे जिस तरह से उसको सर आपकी आवाज कट रही है सर, कर सकते हैं ड्यूरेशन। सॉरी पुअर कनेक्शंस की वजह से डिसकनेक्ट हो गया था। जी मैम बताइए क्या कह रहे थे आप? आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है सर। अब आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर आप कुछ पूछ रहे थे? पूछ रहा था सर। जी बताएं। मैं नहीं पूछ रहा था सर, कोई मैडम पूछ रही थी।
ठीक है सर, कोई नहीं, हमारा ग्राफिक रिसोर्सेज का एक और सेशन है, ब्रेक के बाद हम फिर से सेशन रिज्यूम करेंगे, ग्राफिक रिसोर्सेज पार्ट टू है, तो उसमें अगर कोई क्वेरीज है तो आप वहाँ भी पुट कर सकते हैं क्वेरीज, और एक 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम 11:35 पे अपना सेशन फिर से